बाद में ड्रॉप, जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, जरूरत नहीं पड़ेगा, साइड पे करते हैं। मशीन टू सचिन टू कैश, मशीन में 2500 टू सचिन 2000 टू कैश 500। सो मशीन टू सचिन टू कैश 2500 2000 एंड 500। रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स टू सचिन, सचिन टू परचेज रिटर्न, सचिन टू परचेज रिटर्न करेक्ट है। किसका हाफ लोगे? 8 का हाफ 7200, इसका इसका किसका हाफ 7200 का हाफ, सिंपल नेट अमाउंट। 8 का लोगे तो क्या गलत होगा? ग्रॉस है तो ग्रॉस है तो क्या करना पड़ेगा? ईडी माइनस कर, 4000 लिया उसमें 10% सब्ट्रैक्ट करो, फिर भी 3600 मिल जाएगा। ओके, या फिर स्ट्रेट 7200 का हाफ, व्हाट इज 7200 का हाफ 3600। एंट्री होगी सचिन टू परचेज, सचिन टू परचेज रिटर्न 3600 लिख दो, सचिन टू परचेज रिटर्न 3600, सचिन टू परचेज रिटर्न 3600। सौरव रिटर्न गुड्स ऑफ 600 ग्रॉस, अभी सौरव के केस में टीडी था ही नहीं तो फर्क पड़ता है क्या? डजंट मैटर। सो आई थिंक इट इज सेल्स रिटर्न टू सौरव 600, ग्रॉस दिया होता कि नेट दिया होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेल्स रिटर्न टू सौरव इट इज सेम ना, ग्रॉस नेट बोथ आर सेम इन दिस। The sales return to Saurav. Hello. Yes, sir. What are you doing, man? Put se kar. अरे टीडी है नहीं ना सौरव, टीडी नहीं ले रहे, रिटर्न आर ऑन क्रेडिट, पेमेंट पे आ जाएगी। गाइस नो टीडी तो सेम वैल्यू। पेड फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, हाउस रेंट। मुझे बताओ लाइफ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस है, हाउस रेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या होगा एंट्री? ड्रॉइंग्स इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, ड्रॉइंग्स इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, ड्रॉइंग्स इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। ड्रॉइंग्स में कितना आएगा सोचो? 1300 इंश्योरेंस 300, इलेक्ट्रिसिटी 300 टू कैश 1900, ड्रॉइंग्स इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी टू कैश मिला 1900। विड्रॉन कैश ऑफ 500 फॉर पर्सनल यूज एंड 300 फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। पर्सनल यूज का एंट्री क्या? ड्रॉइंग्स टू बैंक, और ऑफिस यूज का कैश टू बैंक। सो कंबाइन करो, ड्रॉइंग्स कैश टू बैंक, ड्रॉइंग्स कैश टू बैंक। अभी नेक्स्ट दो एंट्री हम लोग छोड़ेंगे, क्यों? देखो एक तो है सेटल्ड सचिन अकाउंट अराउंड 2% सीडी। ये क्या सीन है? सेटलमेंट है ना, कब करना है सेटलमेंट? याद है सेटलमेंट लेजर करने के बाद, क्योंकि पता चलना चाहिए कितना पैसा लेना है देना। उसके बाद वाला भी सौरव बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 40% रिकवर। पहले पता तो करना पड़ेगा सौरव से कितना लेना है, वो कहां से मिलेगा अपने को? हेलो, लेजर से मिलेगा। तो लास्ट के दो एंट्रीज के लिए लाइन छोड़, लीव 3 to 4, 3 to 4 मतलब 8-9 लाइन छोड़ दो, दूसरा साइड पे जो बचे बचे छोड़ दो। अच्छा कितने अकाउंट बनाने? देखो हाउ मेनी अकाउंट देयर वाज, ड्रॉइंग्स कैश टू बैंक 31 वाले दोनों छोड़ दो, कितना अकाउंट बनाने? देखो कैश कैपिटल सचिन है, एक साइड पे दो बनाना, ओके दो दो चार, दो साइड पे चार ले जाओ। आज के बाद यही फॉर्मेट है, वन साइड ओनली टू अकाउंट, तीन भी नहीं, सिर्फ दो, एग्जाम में भी सिर्फ दो, ऐसे बड़े सम्स आ जाए तो सिर्फ दो अकाउंट। ऐसा ही आएगा, टेन मार्क्स। सर एनएस में
एनएम में आएगा ऐसा ही लेवल थोड़ा हाई रहेगा। फॉर्मेट सेम अभी एक्स्ट्रा क्लास रहेगा आपका अक्टूबर अभी है ना अक्टूबर वो अभी अक्टूबर में नवरात्रि नवरात्रि में छुट्टी नहीं है भाई शाम को एक्स्ट्रा आना पड़ेगा तो शायद आना पड़ेगा एग्जाम के ऊपर डिपेंड है नहीं वो पीडीएफ में दिया चलो गाइस ओनली फोर लेजर अकाउंट्स कैश सचिन सौरव एंड कैपिटल फॉर्मेट याद है लेजर का डेट पर्टिकुलर्स अगेन डेट पर्टिकुलर्स जेएम एक में लिखो सब में लिखने की जरूरत नहीं खाली नाम लिखो और चालू करो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट जस्ट राइट इट इन वन अकाउंट एंड प्रोसीड फोर अकाउंट इतना है सब में लिखना है चारों में लिखना है बट अभी फिलहाल एक में लिखो और आगे बढ़ो एक एग्जाम में तो हर एक में लिखना है जितने लेजर आपने बनाए थे ना दस दस मैक्सिमम नॉर्मली यू गेट 2-3 अकाउंट मैक्स बट एक पेपर ऐसा आया था दिस वॉज 2018 और 19 10 अकाउंट 11 अकाउंट फॉर 10 मार्क्स एक्चुअली एनएम ने मिस्टेक किया था दो ही अकाउंट था वो सब में वो लोग इतना बराबर से मेंशन नहीं किया था टू अकाउंट बट अंडरस्टूड था दो अकाउंट का नाम दिया था दो अकाउंट बनाया पब्लिक दो अकाउंट बना के छोटा छोटा हाँ सब 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 तो फिर एक्चुअली एनएम का मिस्टेक था दे वांटेड टू आस्क टू बट दे डिड नॉट मेंशन इट क्लियर जैसे अभी के पेपर में था ना वो तुम्हारा वो शिव वाला दे डिड नॉट फ्रेम इट राइट शिव डिड नॉट इंट्रोड्यूस इन हिज ओन बिजनेस बिजनेस में डाल हाँ क्रेडिट अकाउंट डिपॉजिट मनी और बिजनेस सॉरी यू कैन गिव अस एडवांस ना हाँ हाँ वही तो वो मेंशन नहीं किया अभी वो बोलेगा कि नहीं शिव कोई अलग है शिव गणेश एक ही फैमिली वो लोचे वाला ही था भजन अवर एक सर चलो तो वो टाइम भी वो लोग मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं किया मिट्टी भाई बोला क्या दो अकाउंट है सेम पेपर था सेमेस्टर था एनएम बोला नहीं 11 अकाउंट तो मिट्टी भाई बोला हाँ 11 अकाउंट पहले मिट्टी भाई बोला दो अकाउंट ऑल द टीम से एनएम बोला आगे तेरा नहीं 11 अकाउंट सब लोग नहीं गया बट इट इज डजंट मेक सेंस क्या डजंट मेक सेंस आस्किंग 10 मार्क के लिए जा रहा है आज तक कभी नहीं आया एक ही पेपर मिस्टेक था चलो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पोस्टिंग यू हैव इन लेजर थ्री ओपनिंग बैलेंस पोस्टिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस डू यू हैव एनी ओपनिंग बैलेंस गिवन टू यू उधर आ पोस्टिंग चालू हो पहला एंट्री का स्प्लिट बताओ मुझे क्या होगा हाउ मेनी स्प्लिट ऑफ पोस्टिंग पहले लोन अलग करो पहले लोन लोन कितना है 4,800 कैश टू लोन होगा कैश में लिया ना लोन अच्छा फिर टोटल कैश तो 12 है
उसमें से लोन 4800 है, तो ओनर कितना लाया? 7200 ओनर लाया होगा, ये समझा? हेलो, बताया था ना ये स्प्लिट, पहले लोन अलग कर लो, फिर जो भी बचा है वो ओनर लाया, तो कैश टू कैपिटल। अच्छा, बाकी दोनों आइटम्स वो बिल्डिंग टू कैपिटल एंड लाइफ स्टॉक टू कैपिटल, वो तो सेम ही है। कितना है वो? 5 and 3 कैश टू कैपिटल, सॉरी कैश टू कैपिटल 5 and 3। ये समझ आया? हेलो, लोन का अमाउंट पहले लिख देगा, कैश टू लोन 4800 है ना, तो बाकी कैश टू कैपिटल ही होगा 7200। हेलो, एंड बिल्डिंग पूरा का पूरा कौन लाया? ओनर, और घोड़ा भी पूरा ओनर लिखता है। अभी करो इसको स्प्लिट एंड बुक। कैश टू लोन कैसे करने का? कैश में 2-12% कपिल्स लोन, हाँ जी, सबको सबको कैश टू 12% कपिल्स लोन। अच्छा, कपिल्स लोन है नहीं, तो कपिल्स लोन अगर होता तो उसमें क्या लिखते? बाय कैश। कैश में 2 कपिल्स लोन, कपिल्स लोन में बाय कैश, कैश में 2 कपिल्स लोन, कपिल्स लोन में बाय कैश, इज दैट राइट? कपिल्स लोन नहीं है, कैश टू कैपिटल। कैसे करोगे? कैश में टू कैपिटल, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, कैश में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, दोनों अकाउंट है ना, तो दोनों का लिखने का। कैश में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, इज दैट क्लियर? सर इसमें लाइन नहीं छोड़ते? नो लाइंस, लेजर में लाइन नहीं छोड़ते। फिर बिल्डिंग टू कैपिटल, कैन आई राइट बिल्डिंग में टू कैपिटल? आई डोंट हैव बिल्डिंग अकाउंट, राइट? तो कैपिटल पे बाय बिल्डिंग लिख सकते हो, यस। कितना? 5000। लाइफ स्टॉक टू कैपिटल, कैन आई राइट लाइफ स्टॉक में टू कैपिटल? नॉट पॉसिबल, बट कैपिटल में बाय लाइफ स्टॉक पॉसिबल, तो बाय लाइफ स्टॉक दैट इज 3000। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? गॉट इट? सिंपल। देन नेक्स्ट एंट्री क्या आपका? परचेज टू कैश टू सचिन टू डिस्काउंट, राइट? स्प्लिट इट, परचेज टू कैश, परचेज में टू कैश लिख सकते हो, तो लिखो कैश में बाय परचेज, कैश में बाय परचेज हाउ मच? 4700 बराबर है? 2704 परचेज टू कैश का अमाउंट कितना है यार? 4704 परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज, स्प्लिट एंड पोस्ट ना, एक एक को तोड़ो और फिर पोस्ट करो, कैन आई राइट कैश में, सॉरी परचेज में टू कैश तो नहीं लिख सकता, कैश में बाय परचेज, परचेज टू सचिन, कैन आई राइट परचेज में टू सचिन? नो, सचिन में बाय परचेज, कितना? 2004 बराबर से। हेलो, देन परचेज टू डिस्काउंट रिसीव, कैन आई राइट परचेज में टू डिस्काउंट रिसीव, कैन आई राइट डिस्काउंट रिसीव में बाय परचेज? व्हाई? नन ऑफ द टू मारो बोली। नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट सॉर्ट आउट टू सेल्स, स्प्लिट स्प्लिट, व्हाट इज द स्प्लिट एंट्री? कैश टू सेल्स, हाउ यू डू इट? कैश में टू सेल्स कितना? 1440 कैश में टू सेल्स 1440 कैन आई राइट सेल्स में बाय कैश? नो, नो सेल्स अकाउंट,
सेकेंड वन इज सौरव टू सिंच, कैन आई राइट सौरव में टू सिंच, यस सौरव में टू सिंच हाउ मच 35, कैन आई राइट सेल्स में बाय सौरव, बोलो नहीं वो अकाउंट नहीं है, जो है उसी का करना। देन डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स, कैन आई राइट डिस्काउंट अलाउड बाय टू सेल्स, नो, कैन आई राइट सेल्स में बाय डिस्काउंट अलाउड, वो भी नो, नन ऑफ द टू अकाउंट्स है। ग्यारह दिमाग में एक एक एंट्री तोड़ो और पोस्ट करो, तोड़ो और पोस्ट है, आर्ट लाइज इन द सिंप्लिसिटी, वेन यू सिंप्लीफाइड ब्रेक इट डाउन एंड सिंपल डेबिट एंड सिंपल क्रेडिट, एनी टाइम एंट्री इन द वर्ल्ड यू कैन पोस्ट, कोई अलग चीज नहीं होगी, सब सेम है, सेम प्रोसेस। चलिए मशीन टू सचिन टू कैश इट इज राइट, सो आई विल स्प्लिट मशीन टू सचिन एंड मशीन टू कैश, तो मशीन टू सचिन हाउ मच 2000, तो मशीन में टू सचिन, कैन आई राइट मशीन में टू सचिन, में कैन आई राइट सचिन में बाय मशीन, सचिन में बाय मशीन दैट इज 2000, नहीं अमाउंट, मशीन टू सचिन 2000 है, मशीन टू कैश 500 है, स्प्लिट 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 एंड पोस्ट। अभी मशीन टू कैश, कैन आई राइट मशीन में टू कैश, टू आई मशीन अकाउंट, नो, कैन आई राइट कैश में बाय मशीन, हाउ मच हर्षवर्धन कितना 500, अभी 500 है, उधर 2000, इधर 500, आई थिंक द नेक्स्ट एंट्री इज सचिन टू परचेज रिटर्न राइट, तो सचिन में टू परचेज रिटर्न लिख सकते हो, कितना है बट परचेज रिटर्न में कैन आई राइट बाय सचिन, नो, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड नहीं, तो नॉट पॉसिबल। सेल्स रिटर्न टू सौरव, कैन आई राइट सेल्स रिटर्न में टू सौरव, नो, बट कैन आई राइट सौरव में बाय सेल्स रिटर्न, बोलो यस, कितना है वो 600 है, मिला आया। आई थिंक द नेक्स्ट एंट्री इज ड्रॉइंग्स इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, सो ड्रॉइंग्स टू कैश, इंश्योरेंस टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, कैन आई राइट ड्रॉइंग्स में टू कैश, नो, बट कैन आई राइट कैश में बाय ड्रॉइंग, यस, तो बाय ड्रॉइंग्स कितना है, समझ आया, स्प्लिट स्प्लिट बराबर से करो पहले, अच्छा दूसरा है इंश्योरेंस टू कैश, कैन आई राइट इंश्योरेंस में टू कैश, नो, बट कैन आई राइट कैश में बाय इंश्योरेंस, यस, तो बाय इंश्योरेंस हाउ मच 300, देन इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, कैन आई राइट इलेक्ट्रिसिटी में टू कैश, नो, बट कैन आई राइट कैश में बाय इलेक्ट्रिसिटी, यस, वो लिख दो आप, कितना है 300, अपना अकाउंट जो है उसमें करते जाओ पहले, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ड्रॉइंग्स कैश टू बैंक स्प्लिट इट, स्प्लिट इट, तो ड्रॉइंग्स टू बैंक एंड कैश टू बैंक, कैन आई राइट ड्रॉइंग्स में टू बैंक, नो, कैन आई राइट बैंक में बाय ड्रॉइंग्स, नो, बिकॉज आई डोंट हैव बोथ ऑफ द टू अकाउंट, मेरे पास एक भी नहीं है, कैश टू बैंक, कैन आई राइट कैश में टू बैंक, यस, कैश में टू बैंक, यस, कितना है, कितना है कैश में टू बैंक, कैन आई राइट बैंक में बाय कैश, नो, लिख सकते हो कि नहीं, नो नो बैंक। चलिए अभी आखिरी दो एंट्रीज पे आ गए, सेटलमेंट एंट्रीज है, एकदम ध्यान से, ओके, सेटल करना, सेटल करने के लिए छोटू सा नोट बनाना है, जो आप अब तक करते आ रहे थे सब में डेबिट माइनस क्रेडिट वाला या क्रेडिट माइनस डेबिट वाला, सबसे पहला सचिन सेटल सचिन अकाउंट एंड अर्न 2% सीड,
तो चेक करो हु इज सचिन फॉर अस, इज ही अ क्रेडिटर और डेट, हाउ डू यू नो दैट वी आर बी अ सेटल्ड सचिन, मतलब वी आर पेइंग और वी आर रिसीव, ऑब्वियसली इज अ क्रेडिटर, तो हाउ डू यू फाइंड आउट पहले सचिन को कितना पैसा देना है, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो चेक क्रेडिट में कितना है तो आई थिंक 4,400 माइनस डेबिट में कितना है तो 3,600, मतलब 800 देना है कि लेना है, देना है एट 2% सीडी, तो मतलब 2% सीडी उड़ाओ यहां से, तो 16 रुपया सीडी हो गया, तो दिया कितना 784 करेक्ट, हेलो हाउ डिड आई फाइंड दिस अमाउंट, डिड यू अंडरस्टैंड, क्रेडिट माइनस आबा नबा में किया, अपर ना सुपर ना सेम स्टफ, ओके काले गोरे सब में, इट इज 800 इज व्हाट आई लेफ्ट विद क्रेडिट माइनस डेबिट, यू आर गिविंग सम सीडी एंड गेटिंग सम सीडी एंड यू आर पेइंग लेस, व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस पार्ट, सचिन को पैसा दिया ना, तो लिखो उधर पहले जर्नल में लिखो, सब लोग जर्नल में लिखो, सचिन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, क्यों बैलेंस कर रहा है उसका, सचिन पे कर रहे तो उसको हम पे कर रहे, और तू बैलेंस क्यों किया घाई करके पागल, नहीं मैंने लिखी है कैश में लिखा, नहीं मैंने डिस्काउंट अलाउ, लिखो सचिन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, पहले जर्नल में लिख दो सचिन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, लिखा कितना आएगा सचिन में 800 टू कैश 786 टू 784 टू डिस्काउंट 50, स्प्लिट क्या होगा स्प्लिट, सचिन टू कैश सचिन टू डिस्काउंट, सचिन में टू कैश, कैन यू राइट सचिन में टू कैश, यस सचिन में टू कैश कितना 784, एंड कैन आई राइट कैश में बाय सचिन, यस कितना 784, सचिन में टू कैश, कैश में बाय सचिन, आराम से एक एक एंट्री फुक, सिंपल है, आराम से करोगे तो सिंपल है, घाई करोगे तो मिस्टेक हो, सचिन में टू कैश, कैश में बाय सचिन, देन व्हाट यू हैव सचिन टू डिस्काउंट रिसीव, सचिन में कैन आई राइट टू डिस्काउंट रिसीव, यस कितना 16 रुपए, एंड डिस्काउंट रिसीव में कैन आई राइट बाय सचिन, नो आई डोंट हैव डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, प्रैक्टिकली इट इज देयर बट आई हैव नॉट मेड बिकॉज इन द सम दे कैन नॉट आस्क यू दैट, अदरवाइज इन द एंटायर पेपर विल अटेम्प्ट ओनली लेटर, मूविंग अहेड, हो गया ये वाला, कौन सेटल हुआ यहाँ पे सचिन।